कहते हैं कि चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब माता पिता समान होते हैं, लेकिन रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी आपकी रूह कपा देगी, जिसमें भतीजे ने अपनी चाची के साथ अफेयर चला लिया और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके बाद क्या अंजाम हुआ ये पूरी स्टोरी का। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं आपको बताती हूं कि वो मंगलवार की शाम थी, बेंगलुरु के बाना शंकरी थ्री स्टेज के एक घर में पुलिस को धुआं निकलने की एक कॉल मिलती है। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़ करके अंदर दाखिल होती है तो पाते हैं कि वहाँ एक 28 साल की महिला की लाश पड़ी हुई है और पड़ोसियों ने ये बताया कि ये लाश जो है इस घर की महिला की ही है। दरवाज़ा चूँकि अंदर से बंद था, पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और उसके बाद लाश अंदर से मिलती है। महिला बुरी तरह से किसी धारदार हथियार से मारी गई थी, उसको गोदा गया था, लेकिन सरसरी नज़र में ही यह नज़र आ रहा था कि महिला के जिस्म पे 15 से 20 वार किए गए थे। घर के अंदर ही एक अजली बेडशीट पड़ी हुई थी जिसे घर में आग लगाने की नियत से डाला गया था, लेकिन वो पूरी तरह जल नहीं पाई और केवल सुलगती रही, जिसकी वजह से घर से धुआं बाहर निकलने की बात सबको आसपास में पता चलती है और इसी के बाद पुलिस को भी इत्तला दी जाती है। तफ्तीश करने के बाद ये पता चला कि महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी, दोनों बेटे थे उसके, और वारदात के एक दिन पहले उसके दोनों बच्चे अपने दादा दादी के घर चले गए थे। जबकि ये घटना होती है उस समय पति दफ्तर में थे। पति को बुला करके पूछताछ की जाती है और उसके पति के जो ऑफिस के कोलिग्स थे, दोस्त थे, उन सब ने इस बात की तस्दीक की कि कत्ल के समय पति ऑफिस में ही मौजूद था। पुलिस ने अब महिला के पति से पूछताछ की अलग से कि इस ये जो उसकी पत्नी है उसके बारे में उन्होंने डिटेल बात की तो पति ने बताया कि उसे अपने 17 साल के भतीजे पर इस पूरी वारदात के पीछे शक लग रहा है। पुलिस ने वजह जानना चाही तो उसने कहा कि चंद दिन पहले ही उसे ये पता चला था कि पत्नी और भतीजे में कुछ गंदा अफेयर चल रहा है। पति ने पुलिस को ये भी बताया कि इस बात को लेकर के ये जिस दिन वारदात होती है उसी सुबह पत्नी से काफ़ी लड़ाई हुई थी, उसने काफ़ी उसको बताया, समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच बताने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। और उसके बाद पति थक हार के अपने ऑफिस जाता है क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा था। इधर पत्नी ने बच्चों को दादा दादी के पास इस वजह से भेज दिया ताकि वो अपनी अगली जो एक कहानी थी उसको अंजाम दे सके। पुलिस ने पति के बयान के बाद भतीजे से भी बातचीत की, उससे पूछताछ की तो उसने थोड़ी सी देर में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। नाबालिग ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि उसकी चाची से उसका काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही इस पूरे मसले की भनक उसके चाचा को लग गई थी और चाचा काफ़ी नाराज़ हुए थे, घर में काफ़ी झगड़ा हुआ था। वारदात वाले दिन चाचा के घर जाने के बाद चाची ने उसको कहा कि वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन इस पर उसने साफ इनकार कर दिया और वो नाबालिग भतीजे का ये भी कहना था कि इसी बात से नाराज़ होकर के चाची ने उस पर कैंची से वार किया, लेकिन वो बच निकला और उसने उसी कैंची से चाची पे वार कर दिया और उसने एक नहीं कई वार किए। इसके बाद उसने बेड पे पड़ी चादर में आग लगा दी। उसे लग रहा था कि घर में आग लगने के साथ ही चाची की लाश भी जल जाएगी, ये उस समय उसके दिमाग ने उसको समझाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस को ये वारदात किसी हादसे की तरह लगेगी ये भी उसने सोचा और बेडशीट में आग लगने के बाद उसने घर का ताला बंद कर दिया और फिर वहाँ से वो भाग निकला। घर के पास जितने भी CCTV कैमरे थे उसमें नाबालिग दिखाई देता है। इस समय नाबालिग बाल सुधार गृह में
भेजा जा चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये नाबालिग भतीजा जो है, इसकी पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है, इस पे कत्ल करने का इल्ज़ाम भी होगा। जो महिला है जिसका कत्ल हुआ है, उसके दो बेटे हैं, उनको बड़े होने पे समाज को फेस करना होगा, बहुत सारी बातों के जवाब देने होंगे, बहुत सारी बातों को उन्हें टॉलरेट करना होगा। ये सब बातें जो हैं, ये इस कहानी के बारे में बताती हैं कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा आज का कंटेंट कैसा लगा, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इतना ही, आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।